किसी शादी में जा रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं किसी मैरिज में नहीं जा रही, मैं तो किटली पार्टी में जा रही हूँ। किटली पार्टी में? तो तुम्हारी किटली कहाँ है? नो जोकिंग, पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो निरूपा राव जैसी लग रही हो। नींद में था ना इसलिए पता नहीं चला क्या 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 बोल गया। आ तो रहने दो, पहले ये बताओ कि ये रोज कैसा है? ये तुम्हारा रोज का है, कुछ ना कुछ पूछते रहती हो, ये कैसा है, वो कैसा है, वो ये रोज तो प्लास्टिक का है, सारे पत्ते भी प्लास्टिक के हैं। जानबूझकर है। अब देखो जो असली रोज होता है ना वो तो 3-4 आवर्स में उड़ जाता है, लेकिन हमारी किटली पार्टी तो 5-6 आवर्स तक चलेगी ना, इसलिए ये प्लास्टिक का रोज है। लेकिन प्लास्टिक के रोज में ये रोज का प्रॉब्लम है, कभी भी सुगंध आती नहीं है। सुगंध नहीं आती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी लो ये देखो, अब सुगंध सुगंध क्या होता है? तुम कुछ होने का देती हो, मेरा मतलब तुम कमाल की हो। थैंक फॉर द कंपार्टमेंट। होता है ना तारीफ 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 वाला कंपार्टमेंट। इतने सारे पैसे, तुम्हें पता नहीं है किटली पार्टी में जुआ खेलना एकदम मस्त। तो बहुत मस्त है, लेकिन तुम्हें पत्ते खेलना आता है? आता है ना, दगला पाजी और गुलाम चोर तो बराबर आता है। गुलाम चोर? अब ये क्या है? टाइल चेंग पेंग पंखा, मैं चाहती कितनी पार्टी। अच्छा वो मैंने एक गुलाब निकाल लिया, ये गुलाब लेकर वहां जाती तो पता नहीं कौन कौन बेहोश हो जाता। उसकी ज्वेलरी मेरी ज्वेलरी से घोंसले कैसे? अरे आप दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? हम तैयार हैं। चले चलो, लेकिन ये हाथ में क्या है? हवा खाने के लिए। ओह माय गॉड, मगर वासवानी के घर एसी है? उनके एसी की एसी की तैसी। आज तो किटी पार्टी में मेरी पोजीशन टर्न हो जाएगी। ये नोविस की मिसेस मेहता, यू आर पोंजो इज सो स्वीट ना। मी माय टूटू इज द क्यूटेस्ट। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। हेलो मिसेस वासवानी। हेलो मिसेस वासवानी। आप हमारे नंबर ढोलका धंधू का नंबर नंबर नेबर्स। एनीवे थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इरिटेटिंग। ये क्या है? तुम्हें नहीं समझो, हवा
खाने की झोपड़ी। मैं तो मैनी 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 मनी लाई हूँ जुआ खेलने के लिए। वैसे ना जमुना जी गंगा जी आप मेरे पंचों की शादी पे जरूर आना। कुत्ते की शादी? इनकी बिल्ली नवरोज की से। और ये जो कपड़े और गहने आपने आज पहने हैं ना, वो उस दिन ज्यादा अच्छे लगेंगे। हमारे पास तो फाटला पटोला बच्चन राजवनी बादल है बच्चन अपने बीच बोलते पड़ते हैं ना चल लेने चले। ये धुंध का बहुत सवार आते हैं क्या पता पहला हमारे स्टेजर का सिंबल है मैं रिवर्स ना चाहती वो बदला भाभी रिवर्स नहीं रिवेंज रिवेंज हमें जाने चापला भाग यहाँ से जो है सो वो है हम भी किचली पार्टी वालों को बता देंगे हम क्या हैं हम धंधुका के लोई हैं अरे कुत्ता बिल्ली तो सब रखते हम पोपट पालेंगे अच्छा तो कागड़ा नहीं बहुत डरती हो हाथी बड़े हाथी नहीं वो अपना मेन दरवाजा है ना उसको तुम आके बीक बनाना पड़ेगा बहुत पैसा लगेगा तो क्या करे अब वो गुड मॉर्निंग मिसेस कोटवाली गुड मॉर्निंग अरे गंगा जमुना आज सुबह सुबह हाँ वो हमने सोचा कि मॉर्निंग में आपको एक गुड समाचार दे देंगे गुड न्यूज क्या है वो उस दिन किटली पार्टी में जाने के बाद नवरोज की पंचू और लोंडी को मिलने के बाद हमने भी एक जानवर पाल लिया है घर में पहले इतने जानवर भरे पड़े हैं वो क्या कम है ये तो बहुत अच्छी बात है और बस आगे हमारे हाउस में शकुंतला अरे कौन सी ब्रीड है ब्लैक है ब्लैक ब्लैक अच्छा अब उसका बहुत ध्यान रखना मैंने भी अपने विस्की के लिए नए कपड़े बनवाए हैं अब कपड़े तो पहनाने पड़ेंगे बड़ा जो हो गया अरे नहीं अगले हफ्ते एक मैरिज ब्यूरो के साथ बात करके उसकी शादी की बात भी चलानी है कुत्ते की शादी गुड ना उसके बाद उसका रिसेप्शन भी दे देना वो मैरिज के बाद होता है ना ओह रिसेप्शन वही जब मैं चले शकुंतला को नहलाने का समय हो गया कल मैं कितना बढ़िया शैम्पू और एयर कंडीशनर लेकर आई ना एयर कंडीशनर हाँ बालों के हेयर स्टाइल के लिए कंडीशनर विस्की देखो तुम्हारे लिए पड़ोस में खेलने के लिए फ्रेंड आई है उसका नाम है शकुंतला अब बताए कांती भाई धंधुका में सब मजे में है ना हाँ भाभी सब मजा में है भाभी पहले आप लोगों की शादी कराई अब आपके बच्चों की शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ के लाऊंगा मगर फिलहाल मैं अपनी बेटी प्रभा की शादी के लिए आप लोगों को न्योता देने आया हूँ आप सभी सह परिवार आओगे यानी प्रभा इतनी बड़ी हो गई है सारू 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 लड़का क्या करता है अहमदाबाद स्टेशन के बाहर हाँ? चाय का ठेला चलाता है चाय का ठेला मोबाइल ठेला हाँ। पूरे दिन में 1000 का वक्रा होता है उसके नीचे 5-5 आदमी काम करते हैं गुड गुड प्रभा राज करेगी राज और पूरे दिन मुफ्त चाय पिएगी चाय ये तो कुछ भी नहीं मेरे ससुराल में मेरे ननद के जीजाजी की लड़की जा ब्याही गई उनकी तेल की दुकान है बस पूरा दिन तली हुई चीजें खाती है अच्छा अब मैं चलता हूँ वो क्या है कि शाम को गुजरात में पकड़ कर मुझे वापिस अहमदाबाद पहुँचना है कांति भाई प्रभा की शादी हो जाए तो हमारी शकुंतला के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेना शकुंतला जो भी अच्छा सा है हाँ, क्यों नहीं भाभी आप देखते रहना मैं एक से बढ़कर एक रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा अच्छा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण शकुंतला मैं क्या अरे मैं हूँ ना मैं ध्यान रखूंगी आपकी शकुंतला का वैसे भी मेरे रिस्की को कंपनी मिल जाएगी जाओ लेकर आओ ना उसे ले आओ हाँ ले आओ ना कैसा हम तो उसे साथ ही लाए शकुंतला बेटी अंदर आ जाओ
लगता है बहुत ही मस्तानी चाल है, ताल से ताल मिलाकर चाल की शुरुआत। ये है हमारी शकुंतला। So pretty ना? Black is beautiful. अरे पर मैं तो समझी थी ये कुतिया है। Shut up! हमारी शकुंतला की इंटेलेक्ट। मैं इस बकरी को घर में नहीं रख सकती। अरे शकुंतला मेरा मतलब है चुटी, पागल जैसी बातें मत करो तुम। इनको नाराज करोगी तो राज कैसे करोगी? 5 दिन का सवाल है, रख लो बकरी को। ये तो बकरी है। अरे बकरी ही तो है, शुक्र करो मगर नहीं पापड़ खा के। शुक्र करो कि पोपट मस नहीं है पापड़ खा के। अब हंस दे, हंस दो और हाँ के दे। मैं आपकी शकुंतला को रखने के लिए राजी हूँ, अब आप आराम से हद्दामा को आइए। ये है हमारी शकुंतला की परवरिश के लिए। सुबह सुबह टूथपेस्ट का ब्रश करवाना, पिन्नी विद कॉर्नफ्लेक्स, पीए इम्पोर्टेड साबुन से नहाना, शैम्पू एयर कंडीशनर और वो बाल सुखाने वाली मशीन होती है ना, बाल सुखाना, फिर 4 बाल्टी ग्रीन ग्रीन ग्लास, शाम को और हाँ मुंबई में हरी घास ना मिले तो सूखी घास डाल के मुझे भी क्या हरी हरी लगता है, मुझे 4 दिन शैम्पू नहीं। मिसेस खटवानी, सिर्फ 2 दिन का ही तो सवाल है। 2 दिन में तो मेरा घर और मैं दोनों तबेला बन जाएंगे। बन जाएंगे, बन गया है। हेलो हेलो मिसेस योगी खटवानी, क्या बोल रही हूँ? देखिए मैं माननी चैनल से बोल रहा हूँ। हमारे चैनल एक कंटेस्ट रखा था जिसके लिए आपको बेस्ट सोफिस्टिकेटेड लेडी चुना गया है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ज्यादा जानकारी के लिए हमने एक इंटरव्यू रखा है आपके घर पर, और इसका टेलीकास्ट हमारा चैनल ही करेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओ मिस्टर खटवानी, मिस्टर खटवानी, मुझे बेस्ट सोफिस्टिकेटेड लेडी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कल तो लोग मेरा इंटरव्यू करने हमारे घर आ रहे हैं, पर इस शकुंतला को क्या करूं? वेरी सिंपल, नींद की गोली देके उसे सुला दो। देखो मैं 1 नींद की गोली लेता हूँ, तुम 3 लेती हो, उसे 5 खिला दे। हेलो हेलो मिसेस बच्चता, हाउ आर यू? मिसेस बच्चता, कल मुझे मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेडी ऑफ द ईयर चुना है, और सबसे बड़ी बात मेरा इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट है, आप प्लीज देखना मत भूलिएगा। और हाँ, देखकर मुझे फोन जरूर कीजिएगा। ओके बाय। अभी और किसको फोन करूं? किसके किसको फोन करें? किसको? मिसेस टिप मेरा। हेलो मिसेस टिप मेरा, आपकी तबीयत कैसी है? छोड़िए छोड़िए तबीयत को छोड़िए, हार्ट अटैक तो आते जाते रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप मेरा इंटरव्यू देख रही है ना? हाँ हाँ बताया तो था, लेकिन सोचा आपको किसने याद दिला दूँ। आप देखिएगा जरूर, और हाँ भाई साहब को जरूर दिखाइएगा। ओके बाय। हाँ तो मिसेस खटवानी, सबसे सोफिस्टिकेटेड महिला का अवार्ड पाकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है,
मैं आपके चैनल की और दर्शकों की बहुत आभारी हूँ। इस वक्त हमारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? चुकी की आवाज को क्या होगा? मैं यही कहना चाहूंगी, हमेशा साफ सुथरे रहिए और शांति बनाए रखिए। क्या है? नमस्कार। क्या है? क्या जरूरत थी तुम्हें उन दोनों को किटी पार्टी में ले जाने की? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे बैंक में पड़ा उनका सारा रुपया ये सब करवा रहा है। मुझे डांटना शुरू कर देते हो? चलो। क्या बात है मिस्टर खटवानी, बैंक बंद करके तबेला शुरू कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या है कि मेरे क्लाइंट ने बकरी खरीदने के लिए लोन लिया था। बेचारा लोन भर नहीं पाया तो मैं बकरी ले आया। अच्छा है, लोग बीवी पे लोन नहीं लेते। ये सब तुम्हारी वजह से मेरा बैंक बंद करवाओगी तुम? मेरा इनाम छिनवाओगे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेडी ऑफ द ईयर का अवार्ड हमारे सोसाइटी का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड है। वैसे तो ये अवार्ड मिसेस खटवानी को मिल चुका था, लेकिन अब वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। उसके बाद हमारे जजेस को लगा कि इस लोकैलिटी में आप दोनों ही इस अवार्ड के सही हकदार हैं। गंगा जी, इससे पहले कि हम आपको मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दें, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए पूछिए। हमें ये बताइए कि आज के जमाने में जबकि सभी लोग अपने अपने घरों में कोई ना कोई जानवर जरूर पालते हैं, आप लोगों ने कोई जानवर नहीं पाला था, क्या आपको जानवर पसंद नहीं है? ऐसे नहीं कि हमें जानवर पसंद नहीं, लेकिन हम जानवरों को अपने घर में पालने की आजादी नहीं छीनना चाहते। इसीलिए अब सोचिए, अगर हमने अपने घर में कुत्ता पाल लिया क्या हो? बताओ क्या हो? क्या हो? ऐसा होगा कि कुत्ता वो जो है ना, खुली हवा में खुली कदम के नीचे तुमने यार किसी भी गाड़ी के पीछे दौड़ सकता है, खुल्लम खुल्ला किसी के भी सामने दौड़ सकता है, खुलकर किसी के सामने पूछ चिल्ला सकता है। वो घर की चार दीवारी चार लोगों के बीच में अपने चार पैरों पर चार कदम चलकर चार चक्कर लगाकर बैठ जाएगा। आपको नहीं पता? अरे जिसे पता चल जाए कि मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है, तुम लोग क्या हो, तुम क्या बोलते हो, बोलिए तो। यू मीन टू से आइडेंटिटी क्राइसिस? वही 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 क्या? अब इसके लिए हम जानवरों को खुले करने से पहले ही देखना पसंद करते हैं। हम घर में पेड़ पौधे तक नहीं रखते ताकि उनका दम ना घुसे। क्यों जम ना? हाँ वो क्या है, हमें दूसरे नाम को आगे भी बोलना होगा। अगला सवाल, अगला। हाँ बोलिए। हमें हैरानी ही नहीं, बहुत खुशी है कि आज के जमाने में भी आप जैसे जेन्युइन लोग मौजूद हैं। ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड आप लोगों को भी मिलना चाहिए। तो दूसरी नाम पर है? नहीं, ये अवार्ड तो मुझे मिलना चाहिए। क्यों? वो बकरी तो इनकी थी। नहीं नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ।
क्या है, क्या बोलते हैं वो जो एक सीधे भी में पिक्चर में लगा था ना, सदमा सदमा, ये अपने आपको गरीबों के सीधे भी समझती है। बता दो दीदी ये कौन है, बता दो। हाँ ये हमारे मोहल्ले की पगली है, जा जाकर अपनी बकरी दूध दे। इससे पहले आपके घर में पहुंचे आप इन्हें निकालो बाहर। तो अब हमारा वो कब मिलेगा वो? ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड आप लोगों को ही मिल रहा है।